सभी देखने वालों को नमस्ते, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज मैं अपने हिमाचली हेल्दी किचन में बनाऊंगी कद्दू का हलवा, जिसके लिए हमें कद्दू चाहिए होगा। ये मैंने जो कद्दू लिया है, ये जो पका हुआ कद्दू होता है, वो मैंने यहाँ लिया है। आप कच्चे कद्दू से भी बना सकते हो, लेकिन उसमें मीठा ज़्यादा बनेगा। लेकिन पका हुआ कद्दू होगा तो बहुत ही टेस्टी ये हलवा बनता है। तो ये मैं आज गांव के मिट्टी के चूल्हे पे आपको बना के दिखाऊंगी कि हिमाचल में कैसे इसे बनाया जाता है। वो आज मैं दिखाऊंगी, इसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा। आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा जितना आपसे हो सके। तो आइए पहले तो सामान देखते हैं कि क्या क्या चाहिए होगा। ये लिया है मैंने कद्दू, जितनी भी क्वांटिटी में बनाना चाहे आप कद्दू ले सकते हो। मैंने कद्दू का छिलका निकाल के छोटे छोटे पीसेज में इसे काट लिया है। जितना कद्दू है उससे आधी क्वांटिटी गेहूं के आटे की हमने लेनी है। उसके बाद लिया है घी। यहाँ पे ये जितना कद्दू है उसका चौथाई भाग मैंने यहाँ पे घी का लिया है। चौथाई ही भाग मैंने मीठा यानी कि शक्कर मैंने यहाँ मीठे में लिए। आप चाहे तो चीनी भी ले सकते हो, चाहे तो गुड़ में भी इसे बनाया जा सकता है। सभी में ये बहुत टेस्टी बनता है। बस हमें ये ही सामान इसमें चाहिए। तो सबसे पहले हम जो कद्दू है इसको हमने उबालना है। 2 सीटी हम इसमें लगाएंगे, 5 से 6 गिलास हमने इसमें पानी के डालने हैं इसको उबालने के लिए, क्योंकि पक्का कद्दू है, इसमें टाइम लगेगा इसको पकने में। जो आटा है इसे हमने भूनना है, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। इसको हमने आटे को वैसे भूनना है जैसे कि हम आटे का हलवा बनाने के लिए भूनते हैं। तो आइए अब इसे बनाते हैं आगे। तो आइए अब हम बनाते हैं कद्दू का मीठा या कद्दू का हलवा। तो इसके लिए पहले तो हम जो घी है उसको पिघला लेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें हम गेहूं का आटा, उसको हमने मीडियम आंच पे हम भूनेंगे जैसे कि हलवे के लिए भूनते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम मिट्टी के चूल्हे पे इसे बनाएंगे जैसे गांव में बनाते हैं। तो ये है मिट्टी का चूल्हा। अब इसे पहले पिघलने देते हैं हम अच्छे से। घी जो है वो पिघल गया है। अब डाल देंगे गेहूं का आटा। अब हमें इसे मीडियम आंच पे चलाते जाना है, भूनना है इसे हमने बहुत ही अच्छे से, मीठी आंच जिसे कहा जाता है उसको हम इसे बिल्कुल अच्छे से भूनेंगे। आपने आटे का हलवा बनाया होगा तो बिल्कुल वैसे ही भूनना है जैसे आटे के हलवे के लिए भूनते हैं आटा। आपने ना बनाया हो तो मैंने वो भी वीडियो पहले आटे के हलवे की बनाई है, उसका मैं लिंक भी दे दूंगी। नहीं तो आप YouTube पे जाके हिमाचली हेल्दी किचन का आटे का हलवा लिख के वो वीडियो भी देख सकते हैं। बस अब हमने इसे बिल्कुल मीडियम आंच पे भूनते जाना है अच्छे से। इसमें लग जाएंगे आपके 5 से 7 मिनट। लास्ट तक देखते जाइएगा आप इस वीडियो को अभी, ताकि आप भी बहुत ही अच्छे से जो कद्दू का हलवा है वो बना सके। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा हिमाचली हेल्दी किचन चैनल को। तो इसे भून लेती हूँ मैं अभी मीडियम आंच पे। आटा अब अच्छे से भून गया है। 6 मिनट का टाइम लगा इसे भूनने के लिए। आंच जो थी वो बिल्कुल हमने मीडियम पे ही इसको भुना है। अब डाल देंगे इसमें मीठा। मीठा डाल के इसको अच्छे से चला देंगे हम, ताकि जो मीठा अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ में जो कद्दू है वो भी मैंने उबाल लिया है। अब हम इसको भी चलाते जाएंगे, साथ में मैं आपको कद्दू भी दिखाती हूँ। कद्दू को मैंने 3 सीटी आने तक उबाल लिया था। पानी इसमें मैंने 6 गिलास पानी के डाले थे। अब जो इसका पानी है बॉयल होने के बाद इसका पानी हम अलग निकाल लेंगे। इसलिए निकालना होता है क्योंकि जो कद्दू होता है उसका कच्चापन इस पानी में आ जाता है, स्मेल सी जो होती है। तो इसका मैं पहले पानी निकाल लेती हूँ, उसके बाद जो कद्दू है उसको मैश किया जाएगा। पानी मैंने अलग से निकाल दिया जितना भी कद्दू में था। इसका कद्दू से पानी निकाल के इसको अच्छे से मैश करेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, ताकि आटे में अच्छे से ये मिल सके, कोई भी इसमें मोटा पीस नहीं बचना चाहिए।
ये बिल्कुल मीठा इसमें अच्छे से मिल गया है। अब इसमें डाल देंगे हम जो हमने कद्दू बॉईल किया था। ऐसे मिला देंगे, इसे भी अच्छे से हम मिलाएंगे। जब आटा कद्दू आपस में अच्छे से हम मिला लेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। 2 गिलास पानी के इसमें डाल देंगे, बड़े वाले गिलास 2 हमने डालने हैं इसमें। हलवा अब बन चुका है, देखिए घी से बिल्कुल अलग हो गया है हलवा, बहुत टेस्टी बनता है ये। आप भी इसे बनाइएगा, मुझे कमेंट में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हिमाचली हलवा कहे या कद्दू का हलवा कहे या कद्दू का मीठा, आपके यहाँ क्या कहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो अब मिलेंगे एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।